हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम अपने टॉपिक से हटकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात करने वाले हैं, ताकि आप परीक्षा के बाद ये ना कह सको कि ये बातें आपको मालूम नहीं थी या किसी ने बताई नहीं। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के रिक्रूटमेंट में सेलेक्ट हो पाओगे कि नहीं। स्टूडेंट, मैं मानता हूँ कि आज के दिन इस वीडियो में मेरी कुछ बातें आपको हद से भी ज़्यादा कड़वी लग सकती हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कि आज ये बातें आपने सुन ली तो कल को एयरफोर्स जैसे डिफेंस जॉब्स में आपकी लाइफ सेटल पड़ी है। सो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आज पर्दाफाश करने वाला हूँ आपकी पढ़ाई का। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, मैं जानता हूँ कि आप लोग जम के भिड़े हुए हो अपने अपने तैयारी पे, तो कोई एयरफोर्स का फॉर्म डाल रखा है, तो कोई नेवी का, तो कोई एनडीए का। तो आज हम बात स्पेशली करने वाले हैं एयरफोर्स को लेकर, या यूं मान लीजिए तीनों को लेकर। सो स्टूडेंट, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाई या रिटेन एग्जाम निकाल लेने से सिलेक्शन मिल जाने वाला है, तो फिर निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि उससे एक पत्ता भी नहीं मिलने वाला है। कैसी तैयारी कर रहे हो आप लोग, बोलिए जरा मुझसे। सोच में पड़े हुए हो कि कट ऑफ के अंडर में आ ही जाएंगे, तो मैं आपको बताऊं कि कट ऑफ के अंडर में आने से अब कुछ नहीं होने वाला है। मालूम है क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं कि अगर इस बार जो है वाई ग्रुप का कट ऑफ जो है सिर्फ 38 मार्क्स ही जाता है आउट ऑफ 50, और एक्स ग्रुप में सपोज जो है 42 मार्क्स जाता है आउट ऑफ 70, तो जो है आप जो है 38 to 39 मार्क्स वाई ग्रुप में और जो है एक्स ग्रुप में 42 to 43 मार्क्स लाकर जो है कट ऑफ के अंडर में आ जाएंगे और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि यह आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इतना लाने पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं कह रहा हूं, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो चलिए मैं पूरी स्टोरी आपको दिखाता हूं। इसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा, तो चलिए मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। तो याद कीजिए, अभी जो एयरफोर्स का पिछला एग्जाम हुआ है उसमें एक्स ग्रुप का कट ऑफ जो है 38 मार्क्स था और वाई ग्रुप का कट ऑफ जो है 36 मार्क्स था। अब जो लोग कट ऑफ के अंडर में थे उन लोगों को सेकेंड फेज यानी फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया, जिनमें टोटल 18 to 19 लड़के शामिल थे। वहां उनसे जो है रेस करवाया गया, सीटअप्स लगवाया गया, डिप्स जो है मरवाया गया, स्क्वेट्स मरवाया गया, एडाप्टिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और सेकेंड में जो है बैठाया गया, जीडी करवाया गया, और अंत में जो है थर्ड फेज के लिए यानी मेडिकल के लिए जो है इनमें से लगभग 9000 स्टूडेंट को जो है ग्रीन कार्ड दिया गया। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर इन 9000 स्टूडेंट में से 6000 स्टूडेंट मेडिकल टेस्ट में सिलेक्ट हुए, तो भी जो है एयरफोर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है इन 6000 स्टूडेंट को भर्ती कैसे करेगा, क्योंकि टोटल पोस्ट सिर्फ 3500 to 4000 ही हैं, यानी 3500 से 4000 जो है पोस्ट हैं टोटल। क्यों, अब सोच में पड़ गए ना स्टूडेंट? तो चलिए छोड़िए सोचना, मैं बताता हूँ कैसे होगा। होता क्या है कि इन सारे टेस्ट और एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के बाद जो है सारे पास्ट स्टूडेंट की लिस्ट बनेगी और एक फाइनल कट ऑफ दिया जाएगा, जिनमें उन 6000 स्टूडेंट में से सिर्फ जो है पोस्ट भर के यानी 35 से लेकर जो है 4000 स्टूडेंट के ही नाम रहेंगे और नौकरी सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि वो 4000 स्टूडेंट जिनको नौकरी मिलेगी वो कौन से लोग होंगे, यानी जो लोग रिटेन एग्जाम में हाई स्कोर किए होंगे, फिजिकल के रेस से लेकर एक्सरसाइज से लेकर एडाप्टिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट सेकेंड और जीडी में एक्स्ट्रा ग्रेड जिन्होंने पाए होंगे, और मेडिकल टेस्ट में जिनको एक्स्ट्रा स्कोर मिला होगा, वो ही केवल जो है नौकरी के लायक होंगे। समझे आप? अब आप फ्लैशबैक से बाहर आ जाइए। अब जरा सोचिए कि जब इतना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और वो भी बेस्ट स्कोर के जो है साथ में, तब जाकर कहीं सिलेक्शन होगा। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि अब क्या होगा। तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं और स्टैंड अप क्लासेज आपके साथ है तब तक आपको कुछ नहीं होगा। सो स्टूडेंट, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सब कैसे होगा, क्योंकि आपने तो सुना ही होगा कि किसी ने कहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन अ ह्यूमन लाइफ इफ ही वांट्स टू डू, यानी एक इंसान के जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है अगर वो करना चाहे तो। सो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप ये जो है नाप तौल के पढ़ाई करना छोड़ दीजिए, तैयारी कट ऑफ देख कर मत कीजिए, क्योंकि आपको कट ऑफ से एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स जो है ऊपर लाने हैं, ताकि रिटर्न एग्जाम को लेकर जो है फाइनल मेरिट में आपको वो लोग छांट ना पाए। आप एक एम बना लीजिए के चलिए कि मुझे 50 आउट ऑफ 50 या 70 आउट ऑफ 70 लाना है।
नहीं 50 आएगा तो 45 तो जरूर आएगा, और अगर 70 आउट ऑफ 70 नहीं आएगा तो 65 या 60 तो जरूर आएगा। सो स्टूडेंट प्लीज स्टडी में कोई कमी मत होने दीजिए, वरना पछताना आपको पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट फिजिकल टेस्ट को लेकर। तो स्टूडेंट आपको पता ही है कि रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आने से 7 से 8 दिन बाद से ही जो है फिजिकल टेस्ट होने शुरू हो जा रहे हैं, तो आपके पास फिर टाइम कहाँ है? आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि रिजल्ट आने के बाद तैयारी करेंगे फिजिकल की, क्योंकि जो है ऐसी स्थिति में श्योर है कि आप जो है बाहर हो जाएंगे। सो प्लीज अभी से फिजिकल की जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रेस के तुरंत बाद आपको डिप्स लगाने होंगे, सिटअप्स लगाने होंगे और स्क्वाट्स भी लगाने होंगे, और इनमें जरा सी गलती हुई नहीं कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। यह सब बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा स्टूडेंट, और एडाप्टिबिलिटी टेस्ट और जीडी टेस्ट भी तो है उसके साथ में, और मैं आपको 100 बार बोल चुका हूँ कि इसमें भी जो है एक्स्ट्रा ग्रेड चाहिए, जो कि बढ़िया करोगे और कम से कम समय में रेस पूरी करोगे तभी एक्स्ट्रा ग्रेड मिलेगा। इसलिए प्लीज फिजिकल की तैयारी 100% अभी से शुरू कर दीजिए स्टूडेंट। अब ध्यान देते हैं मेडिकल टेस्ट पे, तो पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर लीजिए, सीना फुलाना सीख लीजिए, वेट 55 किलो से ऊपर कर लीजिए, और साफ सफाई रखिए अपने अंदर, और हाँ कान में लीड लगाना बिल्कुल कम कर दीजिए, क्योंकि इसका इफेक्ट आपके मेडिकल टेस्ट पर पड़ सकता है। सो स्टूडेंट आप मेरे द्वारा बताए गए इतने काम कीजिए तो सही, और फिर सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, देखिए कैसे नहीं आएंगे आप फाइनल कट ऑफ में। सो प्लीज स्टूडेंट तैयारी जमकर कीजिए, क्योंकि आप सब मेरे बाकी स्टूडेंट जैसे ही हो, और मैं आपको सिलेक्शन दिलाना मेरा काम है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इस चैनल पर दिनों दिन जो है बढ़कर सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ा रहे हो, और मेरा प्रयास है कि आप लोगों के माध्यम से जो है इस चैनल को इंडिया के बेस्ट एजुकेशन चैनल बना सकूं। सो इसी तरह का प्यार इस चैनल के वीडियोस को देते रहिए, और हमसे और हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।